सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सिंक्रोनस मोटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पिछले मॉक टेस्ट ज़रूर से देख लें, क्योंकि पेपर के लिए बहुत कम टाइम रह गया है। तो तैयारियाँ कंटिन्यू करते रहिए। तो शुरू करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर फेज एडवांसर के रूप में उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए है लीडिंग पावर फैक्टर सिंक्रोनस मोटर पर कार्य पर, स्कल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य कर रही सिंक्रोनस मोटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य कर रही सिंक्रोनस मोटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सिंक्रोनस मोटर की फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट कर दी जाए और स्टेटर को परिवर्तित वोल्टेज दी जाए तब मोटर का रोटर। तो ऑप्शन ए है बिल्कुल नहीं घूमेगा, ऑप्शन बी है सिंक्रोनस स्पीड पर घूमेगा, ऑप्शन सी है सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर घूमेगा, ऑप्शन डी है धीरे धीरे घूमेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर घूमेगा। तो नेक्स्ट है, यदि सिंक्रोनस मोटर पर मैकेनिकल लोड बढ़ाया जाए तब मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। मोटर की स्पीड कम नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोटर की स्पीड कम नहीं होगी। तो नेक्स्ट है, यदि एक सिंक्रोनस मोटर एक मैकेनिकल लोड चला रही है और स्थिर वोल्टेज सप्लाई से लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करंट ले रही है, इसका फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाने से। ऑप्शन ए, यह एसी सप्लाई से अधिक करंट लेने लगेगी, ऑप्शन बी है यह एसी सप्लाई से कम करंट लेने लगेगी, ऑप्शन सी है यह एसी सप्लाई से पहले जितना करंट लेती रहेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह एसी सप्लाई से कम करंट लेने लगेगी। तो नेक्स्ट है, यदि एक सिंक्रोनस मोटर एक मैकेनिकल लोड चला रही है और स्थिर वोल्टेज सप्लाई पर लीडिंग पावर फैक्टर पर करंट ले रही है, इसका फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाने से। यह एसी सप्लाई से अधिक करंट लेने लगेगी, यह एसी सप्लाई से पहले जितना करंट लेती रहेगी, यह एसी सप्लाई से कम करंट लेने लगेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एसी सप्लाई से पहले जितना करंट लेती रहेगी। तो नेक्स्ट है, एक सिंक्रोनस मशीन मैकेनिकल लोड पर डैम्पर वाइंडिंग की मदद से स्टार्ट की गई है, इसमें दो स्लिप रिंग होंगे, ऑप्शन बी है इसमें तीन स्लिप रिंग होंगे, और ऑप्शन सी है इसमें चार स्लिप रिंग होंगे, और ऑप्शन डी है इसमें पाँच स्लिप रिंग होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसमें पाँच स्लिप रिंग होंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर को इस प्रकार एक्साइट किया जाता है कि यह लैगिंग पावर फैक्टर पर पावर ले रही है। अब इसका एक्साइटेशन धीरे धीरे बढ़ाने पर जैसे जैसे इसका एक्साइटेशन बढ़ेगा यह कम और कम करंट लेने लगेगी। ऑप्शन बी है पहले यह एक न्यूनतम सीमा तक कम करंट लेती रहेगी, इसके बाद यह दोबारा अधिक करंट लेने लगेगी। ऑप्शन सी है इसका करंट लेना एक्साइटिंग करंट के मैग्नीट्यूड से प्रभावित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहले यह एक न्यूनतम सीमा तक कम करंट लेती रहेगी, इसके बाद यह दोबारा अधिक करंट लेने लगेगी। तो नेक्स्ट है, यदि एक बिना लोड वाली सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन अचानक डिस्कनेक्ट हो जाए तब मोटर रुक जाएगी। ऑप्शन बी है यह उसी स्पीड पर एक रिलैक्टस मोटर की तरह चलती रहेगी, ऑप्शन सी है यह कम स्पीड पर एक इंडक्शन मोटर की तरह चलती रहेगी, ऑप्शन डी है यह कम स्पीड पर एक इलेक्ट्रिक मोटर की तरह चलती रहेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह उसी स्पीड पर एक इलेक्ट्रिक मोटर की तरह चलती रहेगी। तो नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर यूनिट होगा जब आर्मेचर करंट शून्य हो। ऑप्शन है, ऑप्शन बी है न्यूनतम हो, ऑप्शन सी है अधिकतम हो, ऑप्शन डी है न्यूनतम से अधिकतम के बीच किसी मान पर हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूनतम होगा। तो नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर अन्य किसी इंडक्शन मोटर से अच्छा होता है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, सिंक्रोनस मोटर में अधिक एयर गैप होता है। ऑप्शन सी है स्टेटर सप्लाई को मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए कार्य से मुक्त कर दिया जाता है, ऑप्शन डी है मीटर पर मैकेनिकल लोड नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
स्टेटर सप्लाई को मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के कार्यों से मुक्त कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन मोटर क्रिया द्वारा स्टार्ट करते समय फील्ड वाइंडिंग को कम मान के रेजिस्टेंस द्वारा शॉर्ट करते हैं। ऑप्शन बी है, फील्ड वाइंडिंग को सामान्यतः ओपन सर्किट छोड़ देते हैं। ऑप्शन सी है, फील्ड वाइंडिंग को सामान्यतः डीसी सप्लाई जोड़ से जोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फील्ड वाइंडिंग को कम मान के रेजिस्टेंस द्वारा शॉर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर में डीसी एक्साइटेशन परिवर्तित करने से मोटर की स्पीड परिवर्तित होगी। ऑप्शन बी है, मोटर की पावर का पावर फैक्टर परिवर्तित होगा। ऑप्शन सी है, मोटर की एम्प्लाइड वोल्टेज परिवर्तित होगी। उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोटर की पावर का पावर फैक्टर परिवर्तित होगा। तो नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर को सबस्टेशन के रिसीविंग सिरे पर पावर फैक्टर सुधारने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन बी है, सबस्टेशन की वोल्टेज को स्थिर करने के लिए लगाते हैं। और ऑप्शन सी है, उपरोक्त दोनों कार्य करने के लिए लगाते हैं। ऑप्शन डी है, उपरोक्त किसी कार्य करने के लिए नहीं लगाते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कार्य करने के लिए लगाते हैं, पावर फैक्टर सुधारने के लिए और सबस्टेशन की वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए। तो नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग प्रभाव पैदा होता है जब लोड कम हो और स्थिर हो। इसे लंबे समय से ओवरलोड पर चलाया जा रहा हो। ऑप्शन सी है, परिवर्तित लोड निश्चित समय पर आता हो और रोटर की ऑसिलेशन की सेचुरेशन फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा हो। और ऑप्शन डी है, यह ओवर एक्साइट हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवर्तित लोड निश्चित समय पर आता हो और रोटर के ऑसिलेशन की सेचुरेशन फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा हो। तो नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर का डीसी फील्ड स्टार्टिंग के समय सामान्यतः शॉर्ट सर्किट किया जाता है क्योंकि रोटर पोल फ्लक्स स्टेटर रोटेटिंग फ्लक्स को ना काटे। ऑप्शन बी है, तेज़ी से घूम रहे स्टेटर फ्लक्स द्वारा फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज और करंट डैम्पर वाइंडिंग की स्टार्टिंग में मदद करे। ऑप्शन सी है, स्टेटर रोटेटिंग फ्लक्स द्वारा फील्ड वाइंडिंग में बहुत हाई वोल्टेज पैदा ना हो जाए। ऑप्शन डी है, फील्ड वाइंडिंग में अनावश्यक डीसी पावर खर्च ना हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तेज़ी से घूम रहे स्टेटर फ्लक्स द्वारा फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज और करंट डैम्पर वाइंडिंग की स्टार्टिंग में मदद करें। तो नेक्स्ट है, स्टेटर बैक ईएमएफ ईबी का मैग्नीट्यूड किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए है, मोटर की स्पीड पर। ऑप्शन बी है, मोटर के लोड पर। और ऑप्शन सी है, स्पीड और रोटर फ्लक्स दोनों पर। और ऑप्शन डी है, केवल डीसी एक्साइटेशन पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल डीसी एक्साइटेशन पर। तो नेक्स्ट है, जब एक सामान्य एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर पर लोड बढ़ाते हैं तब इसका पावर फैक्टर यूनिट हो जाता है और परिवर्तित रहता है, बढ़कर लीडिंग हो जाता है, बढ़कर लैगिंग हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपरिवर्तित रहता है। तो नेक्स्ट है, यदि नॉर्मल एक्साइटेशन के साथ चल रही सिंक्रोनस मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तब इसका आर्मेचर करंट बढ़ता है क्योंकि बैक ईएमएफ ईबी एम्प्लाई वोल्टेज वी से कम हो जाती है। ऑप्शन बी है, पावर फैक्टर कम हो जाता है। ऑप्शन सी है, आर्मेचर में कुल रिजल्टेड वोल्टेज ईआर बढ़ जाती है। तो ऑप्शन डी है, मोटर की स्पीड कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्मेचर में कुल रिजल्टेड वोल्टेज ईआर बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट है, यदि थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का एक फेज शॉर्ट हो जाए तब मोटर अपनी पूरी स्पीड पर नहीं आएगी, अगले चरण में पहुंचने में असफल रहेगी। ऑप्शन सी है, स्टार्ट नहीं होगी। और ऑप्शन डी है, ओवरहीट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है, जब एक ओवर या अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तभी इसके आर्मेचर करंट में परिवर्तन की दर पावर फैक्टर की अपेक्षा कम होगी, बराबर होगी, अधिक होगी, दोगुनी होगी, तो कम होगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो
तो नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर की स्पीड लोड घटाने पर बढ़ती है, लोड घटने पर घटती है, लोड बढ़ने पर घटती है, स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं है। तो नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर चलेगी यदि इसकी स्लिप शून्य हो, 5% हो, यूनिटी हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंक्रोनस मोटर चलेगी यदि इसकी स्लिप शून्य हो। तो नेक्स्ट है एक चार पोल 50,000 फ्रीक्वेंसी वाली सिंक्रोनस मोटर की क्या स्पीड होगी। तो ऑप्शन है 1400 आरपीएम, ऑप्शन बी है 1500 आरपीएम और ऑप्शन सी है 1550 आरपीएम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1500 आरपीएम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पोल वाली सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति डैश होगी जबकि स्रोत आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए है 500 आरपीएम, ऑप्शन बी है 600 आरपीएम, ऑप्शन सी है 1000 आरपीएम और ऑप्शन डी है 1500 आरपीएम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 600 आरपीएम। तो नेक्स्ट है एक सिंक्रोनस मोटर सदैव डैश गति पर घूर्णन करती है। तो ऑप्शन ए सिंक्रोनस गति से कम, ऑप्शन बी है सिंक्रोनस गति से अधिक, ऑप्शन सी है सिंक्रोनस और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंक्रोनस। तो नेक्स्ट है वो मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र में समान गति पर घूर्णन करते कहलाती है। सिंक्रोनस मोटर, सार्वभौमिक मोटर, प्रेरण मोटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंक्रोनस मोटर। तो नेक्स्ट है सिंक्रोनस गति होती है स्थिर, ऑप्शन बी है भार बढ़ाने पर अधिक, ऑप्शन सी है परिवर्तनशील और ऑप्शन डी है सामान्य गति के बराबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थिर। तो नेक्स्ट है सिंक्रोनस की गति कहलाती है जिस गति पर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, ऑप्शन बी है जिस गति पर रोटर घूमता है, ऑप्शन डी है जिस गति पर मोटर घूमती है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिस गति पर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। तो नेक्स्ट है प्रत्यावर्तक का दूसरा रूप है प्रेरण मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सार्वभौमिक मोटर और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंक्रोनस मोटर। तो लास्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर को चलाया जा सकता है केवल पृष्ठगामी शक्ति गुणक पर, केवल अग्रगामी शक्ति गुणक पर, केवल इकाई शक्ति गुणक पर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।